शैतान की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपके वीकली हॉरोस्कोप के साथ हाजिर है। एरीज से लेकर पाइसेस तक यह हफ्ता कैसा रहेगा, एक मुख्तसर सा जायजा लेते हैं। सबसे पहले एरीज, एरीज वालों के लिए यह बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा हफ्ता है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे मामला नज़र आ रहे हैं। कारोबार में, बिज़नेस में नफ़ा होगा। आप कुछ ऐसे एफर्ट्स करेंगे, कोशिश करेंगे अपनी जॉब में, अपने बिज़नेस में, जिससे आपके आमदन में भरपूर इजाफा नज़र आता है। अगर आपने प्राइस बॉन्ड लेके रखे हुए हैं तो कोई इनाम भी निकलता हुआ नज़र आता है। टॉरस, आज तबीयत में थोड़ी सी इस हफ्ते में घबराहट महसूस होगी, डिप्रेशन के असरात पैदा हो सकते हैं, तबीयत में फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, गुस्सा या घबराहट के असरात हो सकते हैं। इसके बाद जो है कुछ ये पहले तीन दिन में ये चीज़ असरात का पे हावी रहेगा। उसके बाद आखिरी जो तीन चार दिन है उसमें आप अपनी तबीयत को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे, रवैये में बेहतरी आ जाएगी। और इसके अलावा ये जो वीक है आपके लिए ख़ास तौर पर सफ़र के मामला में बेहतर आ रहा है। सफ़र आपके लिए वसीला ज़फ़र बन रहा है। अगर आप बिरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, सफ़र कामयाबी आपको हासिल होती हुई नज़र आती है। अगर आप कारोबार के लिए सफ़र पर जाना चाहते हैं, आप रिहाइश के लिए जाना चाहते हैं, तालीम के लिए जाना चाहते हैं, कोई वर्क वीज़ा आपके पास साथ है, आप उस स्टडी वीज़े के तहत जाना चाहते हैं, तो हर लिहाज से अगर आपको रिफ्यूज़ल हो रही थी तो ये वीक में आपको सफ़र के मामला में कामयाबी मिलती हुई नज़र आती है। जमनाई वालों के लिए ये है कि इस वीक में अगर आप कर्ज के अदायगी में कुछ मुश्किल आपको हो रही थी, कर्ज़ को आपको तंग कर रहे थे, इस वीक में कर्ज़ की अदायगी में आसानी होगी। कोई डूबी हुई रकम अगर आपकी थी तो वो भी आपको इस वीक में मिलती हुई नज़र आती है। कैंसर वालों के साथ, घर वालों के साथ अलगात में जो है वो बेहतरी आएगी। लाइफ पार्टनर के साथ कशीदगी थी या घरेलू झगड़े जो चल रहे थे, ससुराली रिश्तेदारों के साथ मसायल या ऐसी अमूमी तौर पर लोगों के साथ जो मसायल थे, वो आपके अख्तलाफात थे, वो पूरे होते, वो अख्तलाफात ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। इसके बाद जो है ओवरऑल जो है कैंसर वालों के लिए जो है वो ओवरऑल ये जो वीक है ये बहुत सारी बेहतरियाँ लेकर आ रहा है। शादी रिश्ते के मामलों में कोई रुकावट थी तो वो भी दूर होती हुई नज़र आती है। इसके अलावा जो है अगर आप तालीमी मामलों में कुछ मुश्किल आपको पेश आ रही थी तो वो भी हल होती हुई नज़र आती हैं। इस वीक में ख़ास तौर पर आपको जो कोई एग्रीमेंट करते हुए बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, कोई ऐसा एग्रीमेंट जो आपके लिए मसाइल पैदा करते उससे बचने की आपको ज़रूरत होगी। लियो वालों के लिए कि ये वीक आप बड़ा मुस्तकिल मिजाजी से अपने मामलों को डील करेंगे। परेशानियाँ या रुकावटें आने के बावजूद भी आप मुस्तकिल मिजाजी से अपने टारगेट को फोकस करेंगे कि आप हमारी सूरत में ये मैंने अपना काम जितने भी अपने काम में पूरे करने हैं और वो आप उस पर कामयाब रहेंगे। वर्गो वालों के लिए आज आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों का तौबन हासिल रहेगा। आपके स्टाफ के लोग हैं या चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपके जानने वाले हैं, चाहे आपके कस्टमर्स हैं, चाहे आपके कोलीग्स हैं, आपको आज उनका तौबन जो है वो इस वीक में ख़ासतौर पर तौबन हासिल रहेगा। अगर आप कोई नए स्टाफ के इंतजार में हैं और आपने कोई सन्सियर स्टाफ चाहते हैं और इस वीक में अभी तक आपको कोई स्टाफ नहीं मिला, तो वो आपको इस वीक में कोई ना कोई बेहतरी मिल सकती है। कोई अच्छे लोग आपको जो है इस वीक में मिलते नज़र आएंगे। ये हफ्ता आपको नए और अच्छे लोग जो है वो देता हुआ नज़र आ रहा है। लिब्रा वालों को ये कि इस वीक में ख़ास तौर पर सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। अपने ऐसे लोगों की जो इन्वेस्टर की सपोर्ट मिल सकती है आपको बिज़नेस को बूस्ट करने के लिए, अपने घर वालों की तरफ से कोई सपोर्ट हासिल हो सकती है, किसी दोस्त अहबाब की तरफ से कोई सपोर्ट मिल सकती है, कोई फैमिली की सपोर्ट जो है वो आपको मिल सकती है। जैसे आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको सपोर्ट का आंसर पैदा हो जाएगा और आप अपने कामों को बेहतर तौर पर कर सकेंगे। लिब्रा के पास स्कॉर्पियो वालों के लिए ये वाला जो वीक है ये बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रहा है आपके लिए। आपकी जो तख्लीकी सलाहियत हैं उसमें इजाफा हो रहा है, आपकी ज़हनी सलाहियतों में इजाफा हो रहा है, दिमागी सलाहियतों में इजाफा हो रहा है। आपकी जो दिमागी तौर पर जो सलाहियतें रुक चुकी थी वो बढ़ रही हैं। आपके अतमाद में इजाफा हो रहा है, आपकी सोच और फहम जो है वो बेहतर हो रही है, आप मामलों को समझने में उसको आपको जो है वो आसानी होगी। सेक्रेटेरियस वालों पर डिप्रेशन के असर कम हो रहे हैं, सेहत का लेवल जो है वो बेहतर हो रहा है, एनर्जी लेवल पहले से बेहतर हो रहा है, आपका हेल्थ लेवल बेहतर हो रहा है, आपकी एक्सरसाइज और वॉक के मामला में रूटीन बेहतर होगी, एनर्जी लेवल जो है वो सेक्रेटेरियस का बेहतर होगा। कैप्रिकॉन वालों के लिए ये वीक जो है वो आपकी अगर स्टडीज़ है, स्टूडेंट है, तो आपकी स्टडी लेवल में बेहतरी आ रही है। अगर आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो एग्ज़ाम में आपको बेहतर अपनी ग्रेडिंग्स हासिल होते हुए नज़र आते हैं, आपका स्टडी फोकस जो है वो बेहतर होता हुआ नज़र आता है। तबीयत में जो मिजाज में जो नेगेटिविटी थी उसमें कमी आती हुई नज़र आ रही है। आप कोई नया काम करते हुए नज़र आते हैं, तब्दीली, वो लोग जो जॉब अपनी चेंज करना चाह रहे हैं, कोई नया बिज़नेस करना चाह रहे हैं, आप अपनी रिहाइश में तब्दीली लेकर आना चाह रहे हैं, कोई ऑफिस चेंज करना चाह रहे हैं,
दुकान के मामला में चेंज करना चाहिए, जिस वाले से तब्दीली आपको भरपूर फ़ायदा देती हुई नज़र आती है। एक्यूरिस वालों के लिए ये वक्त, ये हफ्ता जो है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अगर आप अपने फाइनेंशियल हालात को बेहतर करना चाहते हैं, तो आप कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, कोई दुकान लेना चाह रहे हैं, कोई जरी ज़मीन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप स्टॉक स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप कोई नामी स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, आप किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी में, किसी जगह पे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप अपने काम, अपने पैसे को बचा के बचत की स्कीम में लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वीक आपको फ़ायदा देता है। नज़र आता पाइसिस वालों के लिए ख़ासतौर पर ये वीक जो है, इसमें बहुत सारी मुश्किल आपकी ख़त्म हो रही हैं, बहुत सारी तरीना जो आपकी ख्वाहिशें हैं वो पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ बहुत सारे जो नाराज़ लोग आपसे थे वो दोबारा आपसे जो है वो उनसे आपसी दोस्ती होती हुई नज़र आ रही है, बहुत सारे मुखालफिन जो है वो आपके हक में होते नज़र आ रहे हैं, कानूनी मामलात में केसेस अगर आपके साथ को चल रहे हैं तो उन केसेस में भी आपको फतहमंदी होती हुई नज़र आ रही है। तो एक मुख्तसर सा जायज़ा था आपके, जिसमें आपका ये से लेकर पाइसिस तक ये हफ़्ता कैसा रहेगा। अगर आप कुछ जायचा ख़राब होना चाहते हैं, लकी स्टोन हासिल करना चाहते हैं, अपने बुरशारी के लोहे मुश्तरी, लोहे तारत, लोहे मरीख, लोहे शम्स या सात सितारों के लोग बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इस वीक में तमाम बुर्जों के लिए सदकात में जो है दालों का सदका बहुत बेहतर है। हसब तौफीक जो है वो आप ज़रूरतमंदों में दालों का राशन तकसीम करें। इसके अलावा आपके लिए जो है वो अल्लाह ताला का एक नाम है या नाफ़े, इसका वर्द करें 313 बार, 786 बार या 1112 वाला का 7 के साथ। और इसके अलावा आपके जो लकी नंबर हैं 2, 4 और 6 है, ये दो नदीन नंबर जो हैं ख़ासतौर पर इस वीक में आपके लिए लकी नंबर्स हैं। अगर आप किसी किस्म का मुझे कंसल्टेंसी चाहते हैं, लोहे मुश्ती बनाना चाहते हैं या लोहे सात सितारों के लोग बनाना चाहते हैं, तो हमारे नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। दुआ करूँगा ये हफ्ता अल्लाह ताला हम सब के लिए बेहतरी का बायस बनाए। आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ अपडेट आपको मिलती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।